तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आज फिर से एक नया वाला वीडियो लेके आ चुका हूँ और इस वाले वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं जो आज से ही कुछ ही दिनों पहले हीरो कंपनी की तरफ से हीरो ग्लैमर एक्सटेक 125 जो लॉन्च हुआ था, जिसके अंदर मेनली दो ही कलर ऑप्शन थे, एक है ब्लैक और एक है ग्रे। लेकिन ग्रे के अंदर भी स्टिकरिंग में दो तीन कलर ऑप्शन थे। लेकिन भाई अभी एक न्यू कलर ऑप्शन आए हैं हीरो कंपनी की तरफ से इसी ग्लैमर एक्सटेक के अंदर। मतलब की अभी ये जो वीडियो के अंदर जिस ग्लैमर को देख रहे हो तो इसको भी बोला जा रहा है कैंडी रेड या फिर पर्ल रेड। तो ये जो न्यू कलर स्कीम है ना, तो ये अभी साइलेंटली ही हीरो कंपनी के तरफ से लॉन्च हुआ है, तो इसी वजह से आपको बहुत सारे जगह पर देखने को मिलेंगे और बहुत सारे जगह पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहो। आज के इसी वीडियो के अंदर हम लोग इसी न्यू कैंडिडेट या फिर पर्ल रेड के ही बारे में बातें करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखते रहो। तो मैं हूं अंकुर कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार अंकुर ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। पहली बात तो भाई ये जो न्यू कलर स्कीम अभी आप लोग देख रहे हो, ये पर्ल रेड या फिर कैंडी रेड जो भी बोलना चाहते हो, तो ये जो कलर स्कीम है ना न्यू, तो ये अभी हर एक शोरूम पर अवेलेबल है या नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये हीरो कंपनी की तरफ से एकदम ही साइलेंटली लॉन्च कर दिया गया है। और कुछ कुछ जगह पर तो ये अभी चला भी आया है और कुछ कुछ जगह पर अभी आने वाला है, मतलब शोरूम्स पर। और इसके अलावा देख ही सकते होंगे इसी बाइक के सामने जो DLS या फिर जो सामने हेडलाइट का पूरा सेटअप किया गया है, तो ये पहले के जैसा ही है। मतलब कि जो हीरो ग्लैमर एक्सटेक का जो पहला वाला मॉडल आया था, तो उसके अंदर जो डिजाइन दिया गया था सामने जो हेडलाइट पूरा सेटअप, तो उस जैसा ही कुछ डिजाइन इसमें भी है। बाकी तो इस बाइक के अंदर देख ही सकते होंगे जो ये इंजन दिया गया है, तो इसके अंदर भी मतलब जो पावर है तो वो भी चेंजेस कुछ ऐसा नहीं है। मतलब कि इसी बाइक के अंदर अभी भी आपको जो इंजन देखने को मिलता है तो वो है पहले की तरह ही सिंगल सिलेंडर एयर कूल वाला इंजन। और ये इंजन जो मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करता है तो वो है 10.72 BHP एट 7500 RPM। और इसके अंदर जो मैक्सिमम टॉर्क दिया गया है तो वो है 10.6 Nm एट 6000 RPM। और इस बाइक के अंदर आपको 5th स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। बाकी तो इस बाइक के अंदर जो माइलेज दिया गया है तो वो आपको देखने को मिलेगा कम से कम 55 से ही लेके 65 के ही अंदर अंदर। तो ये सब तो ठीक है अपने जगह पर, लेकिन ये जो मॉडल अभी आप लोग देख रहे हो तो ये एक डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है। मतलब इसका एक अलग से ड्रम ब्रेक वाला ऑप्शन भी आता है, लेकिन ये डिस्क ब्रेक वाला है। तो ये जो बाइक है ना, इसके अंदर आपको IBS टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। तो ये जो IBS वाला टेक्नोलॉजी है ना, तो इसको आप लोग एक तरीके से कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के जैसा ही मान सकते हो। मतलब वही है एक तरीके से, मतलब कि सामने का ब्रेक अगर दबाओगे तो वो सामने का ही दबेगा, लेकिन पीछे का ब्रेक अगर दबाओगे तो सामने का थोड़ा सा लग जाएगा। मतलब ऐसा वाला कुछ सिस्टम दिया गया है इसी बाइक के अंदर भी। बाकी तो इस बाइक के अंदर आप लोग देख ही सकते होंगे सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के ही साथ नीचे डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी दिया गया है। और इस बाइक के अंदर ये भी देख सकते होंगे जो किक स्टार्ट वाला जो ऑप्शन है तो वो अभी तक इस बाइक के अंदर है। बाकी तो देख ही सकते होंगे इस बाइक के अंदर जो ये रेड कलर पेंट के ऊपर जो ये व्हाइट का जो स्टिकरिंग किया गया है, तो ये देखने में अपने आप में ही बहुत ज्यादा खूबसूरत तो लग ही रहा है। साथ ही साथ आप लोग ये भी देख ही सकते होंगे इसी बाइक के ही जो साइड वाला जो पैनल है, मतलब टैंक का ही जो साइड वाला पैनल है, तो उसके ऊपर जो व्हाइट वाला स्टिकरिंग किया गया है ना, तो वो देखने में कहीं ना कहीं वो रेसिंग वाला फील दे रहा है। लेकिन ये रेस वाला बाइक है नहीं, ये कम्यूटिंग वाला बाइक है। मतलब कि एक तरीके से समझ लो कि ये जो बाइक है ना, इससे आप लोग डेली कम्यूटिंग कर सकते हो, लेकिन रेसिंग के लिए बाइक है नहीं फिलहाल के लिए। तो ये जो बाइक है ना भाई, इसके अंदर FI वाला वेरियंट दिया गया है, जो कि देख ही सकते होंगे साइड में जो FI का स्टिकरिंग किया गया है। बाकी तो इस बाइक के अंदर आपको i3S टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाता है। बाकी इसी बाइक के पीछे आप लोग देख ही सकते होंगे वो जो एक छोटा सा डब्बे के अंदर जो दिया गया है, मतलब तो वो IBS सिस्टम का ही एक पार्ट है। बाकी देख सकते होंगे इस बाइक के ही जो साइड में जो इंडिकेटर्स दिए गए हैं तो वो सारे के सारे ही बल्ब्स में है। बाकी इसी बाइक के अंदर जो पीछे सस्पेंशन यूज किया गया है तो वो है 5th स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक्स एब्जॉर्बर। बाकी देख सकते होंगे इस बाइक का जो ग्रैब रेल है और नीचे ही जो एक ब्लैक कलर में जो पार्ट दिया गया है, तो यही थोड़ा सा ज्यादा यूनिक लग रहा है दूसरे किसी भी ग्लैमर के मुकाबले। बाकी इसी बाइक के अंदर और कुछ भी ऐसा चेंजेस नहीं किया गया है। पहले भी जो जो चीजें था इसी बाइक के अंदर वो चीजें अभी तक इसी बाइक के अंदर है। बाकी इसी बाइक के अंदर जो मीटर कंसोल है तो वो भी आप लोग तो जानते ही हो कि ये पूरे तरीके से डिजिटल मीटर कंसोल है, जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ नेविगेशन वाला सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाता है। तो यही था कुछ मेन मेन चीजें इसी न्यू हीरो ग्लैमर एक्सटेक 125 का ही रेड कलर ऑप्शन का। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूं क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।